नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पकवान गली में। मैं हूं आपका होस्ट ददन भाई और आज लेकर आया हूं एक खास तरह का मिक्सचर जिसे स्नैक्स में भी खाया जा सकता है और इसे दिवाली में अपने दोस्तों को आप गिफ्ट में भी रख सकते हैं, दे सकते हैं। तो आइए मिक्सचर बनाने के लिए देख लीजिए मैंने क्या क्या सामग्री ली है। तो सबसे पहले मैंने लिया है मूँगफली 200 ग्राम, काजू 200 ग्राम, 50 ग्राम मखाने हैं, 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम नारियल छोटे टुकड़ों में काट लिया है, बादाम 50 ग्राम और चिवड़ा है, हम इसे ज़्यादा कर लेंगे, 100 ग्राम चिवड़ा डालेंगे। कुछ मेरे पास काली किशमिश भी हैं, कुछ पिस्ता हैं और मसाले जो इस मिक्सचर में पड़ेंगे और इसे बढ़िया चटपटा स्वाद देंगे। देख लीजिए क्या क्या है, लाल मिर्च पाउडर, नमक, चीनी पाउडर, करी पत्ते और साबुत लाल मिर्च। लाल मिर्च को हम छोटे टुकड़ों में तोड़कर डालेंगे। तो अब घी गरम होने के लिए रख दिया था मैंने, ये तकरीबन 100 ग्राम घी है। अब इस घी में मैं सबसे पहले मूंगफली डालकर फ्राई करूंगा और एक एक करके हम इन चीज़ों को फ्राई कर लेंगे और उसके बाद सब चीज़ों को एक सार करेंगे, मिलाएंगे। तो सबसे पहले मूंगफली, आँच मीडियम रखेंगे और हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम मूंगफली को निकाल लेंगे। तो मूंगफली हमारी हो गई है, अब इसे बर्तन में निकाल लेंगे। बस इतना ही भूनना है, आप देख लीजिए इतना ही फ्राई करना है कि इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये बढ़िया मूंगफली हो गई, इससे ज़्यादा भूनेंगे तो ये कड़वी हो सकती हैं। मूंगफली को निकालूंगा एक बर्तन में रखने के लिए। तो ये बढ़िया तरीके से इनका कुछ इस तरह से आप कर लेंगे तो जो एक्स्ट्रा घी या तेल है वो आराम से निकल जाएगा और इसे बर्तन में रख देंगे। नारियल के बाद मैं फ्राई करूंगा कुछ पिस्ता है और साथ में ये काली किशमिश है, इसे ब्लैक चेरी भी कहते हैं। तो दोनों को एक साथ डाल के मैं फ्राई कर लूंगा। पिस्ता की मात्रा आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं, इन्हें भी हम 20 से 30 सेकंड तक, इससे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। ये भी डन। तो मखाने भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्होंने तेल या घी अच्छी तरह पी लिया है, तो आप देख रहे हैं। चिवड़ा भी हमारा हो गया है, देखिए चिवड़ा फ्राई होने के बाद फूल जाता है, बढ़िया क्रिस्पी हो जाता है। चिवड़ा भी हो गया, इसे निकाल देते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने फ्राई कर ली हैं, अब तड़का देखिए किस चीज़ का लगेगा। तो तड़के के लिए मैंने ले रखी हैं
साबुत, लाल मिर्च, तो इन्हें टुकड़ों में तोड़ देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अपने मिक्सर में डालें या ना भी डालें। तो मैंने ये तोड़ दिया है, चार मैंने ली हुई हैं, तो ये मैंने तोड़ के इन्हें डाल दिया। कुछ करी पत्ते हैं, फ्रेश करी पत्ते हैं, ये भी डाल देते हैं। करी पत्ता डालने के बाद देखिए कैसे ये चटकने लगा है। तो मिर्च ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं चाहते हैं डालना तो बिल्कुल ना डालें। कुछ लोग धनिया पत्ती भी इसमें डालकर फ्राई कर देते हैं, तो आप धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। मेथी के जो पत्ते हैं, फ्रेश पत्ते हैं, वो भी आप डालकर फ्राई कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा जो स्वाद है वो और भी बढ़ जाएगा मिक्सचर का। तो तड़का तैयार है, तड़के को भी हम अपनी जो फ्राई की हुई सामग्री है उस पर डाल देंगे और उसमें कुछ मसाले डालकर मिक्स करेंगे। देखिए तड़का ये डाल दिया मैंने, तो मैंने सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया है और आप देख रहे हैं कि इस बर्तन में भर चुका है। तो अब मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मिक्सचर को मैं एक बड़े भगोने में डाल देता हूँ। अगर आपके पास बड़ा तपेला है, बड़ा भगोना है, बड़ा बर्तन है, तो आप उसमें सारी चीज़ों को डाल देता हूँ, क्योंकि तो चीज़ें बहुत हैं। अब ये देखिए, तो इस मिक्सचर को बढ़िया चटपटा बनाने के लिए, थोड़ा सा नमकीन बनाने के लिए मैं क्या क्या डाल रहा हूँ ये देखते जाइए। तो मेरे पास है एक छोटी कटोरी चीनी पाउडर, ये मैं इस पर डाल रहा हूँ। मैं पूरा नहीं डालूँगा, थोड़ा सा बचा लिया है, उसके पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद अगर लगेगा, ज़रूरत लगेगी तो मैं डाल दूँगा। नमक, एक बड़ा चम्मच नमक डाल दिया। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, ये भी एक चम्मच डाल दिया। अब सबसे पहले इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिलाता हूँ मैं। तो ये देखिए, मिलाने के लिए एक और तरीका ये है कि आप इसे उठाइए और कुछ थोड़ा सा टेस्ट करके देखता हूँ कि नमक आखिर कैसा है इसमें। थोड़ा सा नमक और डालेंगे, नमक डाल दिया, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और ये जो बची हुई चीनी थी ये भी डाल दूंगा मैं। तो सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स करके नमक, मिर्च, मसालों का टेस्ट जानने के बाद अब मैं इसे एक बढ़िया से बाउल में डाल रहा हूँ, आप कह सकते हो कि सर्विंग बाउल है, उस पे डाल रहा हूँ। मिक्सचर हो गया बिल्कुल रेडी। तो ड्राई फ्रूट्स मिक्सचर बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे सर्विंग बाउल में डाला हुआ है, जो बचा हुआ है उसे एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर भी रख सकते हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और ऐसे ही बना लीजिए दिवाली स्पेशल होममेड मिक्सचर, और घर आए मेहमानों को आप खिलाइए इन्हें, या फिर उन्हें गिफ्ट के साथ में ये मिक्सचर आप दीजिए। कम पैसे में बढ़िया चीज़, हेल्दी चीज़ बनाना मैंने आपको बता दिया है। तो आप भी फटाफट इस रेसिपी को देखिए और इसी तरीके से ऐसे ही दिवाली स्पेशल मिक्सचर बना लीजिए, और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। और ऐसी लजीज डिलीशियस रेसिपीज के लिए बने रहिए पकवान गली के साथ। तब तक लीजिए ददन भाई का बहुत प्यार भरा सलाम, हैप्पी दिवाली।